कैमरामैन कामिल यूसुफ के साथ चांद नवाब, इंडस न्यूज़ कराची। ये आगे ना देखो भाई, वो चले जाओ एक मिनट। कराची से अंदरून मुल्क लोग अपनों में ईद मनाने के लिए जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं बीबी, उधर चलिए एक मिनट रुक जाना। इंडस न्यूज़ करा यार, बड़ा बेहतरीन आदमी, उधर भाई उधर से चले जाओ। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस, आपके साथ मैं हूं अपूर्व मिश्रा। पाकिस्तान के अंदरूने मुल्क वाले रिपोर्टर साहब तो आपको याद ही होंगे। जी हाँ, वही चांद नवाब, जिनकी ईद की रिपोर्टिंग का वीडियो जब वायरल हुआ था तो लोगों के हंसते हंसते पेट में दर्द हो गया था। लोगों ने इस वीडियो को खूब देखा और चांद नवाब से खूब मजे लिए। लेकिन पाकिस्तान में ऐसी कार्टून वाली रिपोर्टिंग कोई नई बात नहीं है। इन दिनों पाकिस्तान के एक और रिपोर्टर हैं जिनके वीडियो ने सोशल मीडिया पर हलचल मचा दी है। इन रिपोर्टर साहब का नाम है अमीन हफीज, जो राजा महाराजाओं के किले को लेकर अपनी रिपोर्ट पेश कर रहे हैं, और इसके लिए उन्होंने जो अंदाज अपनाया है उससे लोगों का हंस हंस कर पेट फूल गया है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि अमीन हफीज किसी शहंशाह की ड्रेस पहनकर खड़े हैं और महल की छत पर खड़े होकर कहते हैं कि उनके महल में शादी का आयोजन किसने कराया। इस वीडियो में सिर्फ उनकी ड्रेस ही मुगलों वाली नहीं है, बल्कि बोलने का अंदाज भी शहंशाह वाला ही है। आइए पहले आपको ये वीडियो दिखाते हैं। हमारे शाही बावर्ची खाना में शादी किसने रचाई, सजा मिलेगी। कैमरामैन अशरफ ननकानवी के साथ अमीन हफीज, जियो न्यूज, लाहौर। दरअसल अमीन हफीज पाकिस्तान के जियो चैनल के रिपोर्टर हैं, एक जाना माना नाम है। वो अक्सर अपनी व्यंगात्मक रिपोर्टिंग के लिए जाने जाते हैं। अपनी इस रिपोर्ट में भी वो ये सवाल उठाने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐतिहासिक खेलों में शादी का आयोजन होना चाहिए या फिर नहीं। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब उनकी रिपोर्टिंग का वीडियो इस तरह से वायरल हुआ हो। इससे पहले भी वो ऐसी कई खबरें कर चुके हैं जिनमें उनके अंदाज ने लोगों को खूब हंसाया। साल 2018 में भी उनका एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें वो इस बात को लेकर रिपोर्टिंग कर रहे थे कि पाकिस्तान में गधों का कारोबार खूब तेजी से फल फूल रहा है। इस दौरान भी वो लाइव रिपोर्टिंग के दौरान गधे पर बैठ गए थे और कहने लगे कि इस खबर से गधे का व्यापार करने वाले कारोबारी बहुत खुश हो गए हैं। इसके अलावा उनकी एक और खबर ने खूब चर्चा बटोरी थी जिसमें मवेशियों को चारा नहीं मिल पाने पर वो भैंस के सामने ही अपना माइक लगा देते हैं और उनसे चारा नहीं मिलने को लेकर सवाल दाग देते हैं। आइए आपको एक बार फिर से अमीन हफीज की वो वीडियो दिखाते हैं और चांद नवाब का पुराना वाला वीडियो भी दिखाते हैं जिसमें रिपोर्टिंग करना उनके लिए भारी पड़ गया था। शाही बावर्ची खाना में शादी किसने रचाई, सजा मिलेगी। कैमरामैन अशरफ ननकानवी के साथ अमीन हफीज, जियो न्यूज, लाहौर। कराची से लोग अंदरून मुल्क अपनों में ईद मनाने के लिए यार रोक लेना भाई, इधर से चले जाओ ना यार, एक मिनट गाड़ी निकल जाएगी। कराची से लोग अपनों में ईद मनाने के लिए अंदरून मुल्क जा रहे हैं। कैमरामैन कामिल यूसुफ के साथ चांद नवाब, इंडस साहब ने देखो और तो देखो हमारा साथ। कराची से लोग अंदरून यार देखो, कराची से लोग अपनों में ईद मनाने अंदरून मुल्क जा रहे हैं। कैमरामैन कामिल यूसुफ के साथ चांद नवाब, इंडस न्यूज, कराची। आपको इन दोनों वीडियो में से कौन सा वाला ज्यादा अच्छा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार। शाही बावर्ची खाना में शादी किसने रचाई, सजा मिलेगी। कैमरामैन अशरफ ननकानवी के साथ अमीन हफीज, जियो न्यूज, लाहौर। कराची से लोग अंदरून मुल्क अपनों में ईद मनाने के लिए यार रोक लेना भाई, इधर से चले जाओ ना यार, एक मिनट गाड़ी निकल जाएगी। कराची से लोग अपनों में ईद मनाने के लिए अंदरून मुल्क जा रहे हैं। कैमरामैन कामिल यूसुफ के साथ चांद नवाब, इंडस साहब ने देखो और तो देखो हमारा साथ। कराची से लोग अंदरून यार देखो, कराची से लोग अपनों में ईद मनाने अंदरून मुल्क जा रहे हैं। कैमरामैन कामिल यूसुफ के साथ चांद नवाब, इंडस न्यूज़, कराची।